नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। शादी का समारोह खुशियों का एक त्योहार जैसे लेकर आता है। तमाम रस्में होती हैं, तमाम लोग मौजूद होते हैं और उन लोगों के बीच में वो खुशियों का भरा पल आप सभी को आनंदमय कर देता है। लेकिन इसी बीच अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जो एक पल में खुशियों के माहौल को मातम में बदलते हैं। जी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। वहां एक बड़ा ही छोटा सा सीमित जगह है, एक थाना कहलाता है नेबुआ नौरंगिया। वहां पे एक ग्राम नौरंगिया में एक हादसा बीती रात को घट गया। उस हादसे में तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई और मौतों का जो आंकड़ा है, पहले जो पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा जो दिया गया था आंकड़ा वो 11 था, लेकिन अब 13 का आंकड़ा हो चुका है। और उस आंकड़े में एक छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा बात है जो एक कॉमन, क्योंकि शादी का समारोह था, हर उम्र के लोग शादी में जाते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जो हमेशा एंजॉय करते हैं शादी। घटना ये हुआ कि हल्दी के समय, हल्दी का जो दिन होता है उस दिन, लोकल अगर भाषा में कहा जाए वहाँ के, तो मटकुड़वा एक रिवाज है जो वहाँ पे किया जाता है। हल्दी के समय वहाँ पर जो घर की महिलाएं होती हैं वो जाती हैं और घर से करीब मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर जिसका जितना एरिया होता है वहाँ पे कुएं के पास या तालाब के पास जाके उस रस्म को निभाया जाता है। महिलाएँ बहुत खुश होती हैं, महिलाएँ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उसके साथ साथ अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के जो प्रॉपर अगर कहा जाए तो ये महिलाओं का ही पूरा रस्म होता है। उसमें मटकुड़वा जो होता है, लोग जाते हैं, फावड़ा रहता है उनके हाथ में, कुदाल जिसे कहा जाता है, लोकल भाषा में बताऊं तो लोकल भाषा में कुदाल कहा जाता है, वहाँ पे खोदा जाता है। खोदने के बाद पूजा पाठ होता है और उसी पूजा पाठ के दौरान ये जो हादसा हुआ है, वो एक कुआं बना हुआ था, वहां पर स्लेप डाला गया था। वहां किसी ने शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि वहां कुआं होगा, क्योंकि रात का समय था, तकरीबन 8:30 बज रहा था और अभी भी कहा जाए तो जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र होता है वहां पे अभी भी रात को थोड़े कोहरे जैसा पड़ना माहौल शुरू है, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है वो ठंड से अब गर्मी की तरफ बढ़ रहा है। ये कहते हैं लोग कि खिचड़ी के बाद से जो मौसम होता है वो गर्म होने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी रात को ओस वहां पे पड़ते हैं। हुआ कुछ ऐसा ही, ओस था, उसके साथ साथ अंधेरा था। लोग टॉर्च लेकर जाते हैं, अंधेरा कहा जाए तो गांव में जिन जगहों पर कुएं होते हैं बहुत ही कम देखा जाता है कि वहां रोशनी हुई, या रोशनी होती भी है तो बहुत ही कम रोशनी होती है। अगर रोशनी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वहां पे लोग गए, तकरीबन वहां पे करीब 20 से 25 लोग वहां पे मौजूद थे। मौजूदगी ऐसी कि कुएं के पास उन्होंने देखा नहीं, स्लिप था, जाकर वहां बैठ गए, आराम करने लगे, क्योंकि नाचते गाते हुए वहां पे लोग गए थे, थक हार गए। बच्चे भी वहां पे बहुत मौजूद थे, उनकी मौजूदगी उस कुएं के पास हुई और दरअसल ये हादसा तभी हुआ। किसी ने ये नहीं जाना था कि जिस जगह पर हम बैठ रहे हैं वो पानी उसके नीचे है। वहां पर तकरीबन 13 लोग उस कुएं में गिरे। कुएं में गिरने के बाद, क्योंकि स्लेब जो था वो जालीदार था, वहां पर किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ, बैठे, वजन ज्यादा हुई और वजन ज्यादा होते ही वो सभी कुएं के अंदर चले गए, जिसके बाद से उनकी जान चली। अगर मौतों के आंकड़े को देखते हुए अगर उम्र की बात की जाए तो अभी तक 13 लोगों की मौत हुई और 13 लोगों में मात्र 12 लोगों का पहचान इसमें किया गया और 12 लोगों में बस 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 35 और 30 के बीच में जिनकी उम्र है, बाकी 25 से कम उनकी उम्र है जिनकी मौत हुई है। जहां पर बच्चियां थी, जो अविवाहिता जो बच्चियां होती हैं वो थी, तकरीबन सबकी उम्र अगर शुरुआती उम्र की बात की जाए तो 10 से ऊपर और 25 से कम, ये उम्र है उन लोगों की जिनकी मौत हुई। और मौत के साथ साथ जो आंकड़े अब सामने आए, क्योंकि डीएम द्वारा, कुशीनगर के डीएम द्वारा इस बात का पुष्टि भी किया गया है कि वहां पर जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है
उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात सामने जो आई है, स्थानीय लोगों का जो कहना है वो ये है कि जब एम्बुलेंस को फोन किया गया तो एम्बुलेंस समय पर नहीं आई। समय के साथ साथ उन लोगों ने यह भी कहा कि एम्बुलेंस आई ही नहीं। एम्बुलेंस मतलब सरकारी जो अस्पताल है वहां का, अस्पताल और पुलिस स्टेशन दोनों की जो पैमाने की बात की जाए तो दोनों 3 किलोमीटर की दूरी पर है और 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस आ जाती है लेकिन एम्बुलेंस एक भी नहीं आती है। और तकरीबन एक फोन से नहीं 10 फोन से वहां के स्थानीय लोगों ने जो बताया है कि वहां तकरीबन सभी ने फोन किया लेकिन एम्बुलेंस के नाम पर कोई नहीं आया। लोगों ने अपने प्राइवेट वाहन पुलिस की मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाया छोड़ा, जिसके बाद से जब वहां पर लोग पहुंचे कि इनकी जान बचाई जा सके तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और कुछ लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। अंधेरा था, जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन लोगों ने रेस्क्यू किया, यहां तक कि टॉर्च की मदद से उन लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जब उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, पुलिस की गाड़ियों और प्राइवेट ऑटो में गाड़ियों में जब उन्हें अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है? स्वास्थ्य महकमा में जो हड़कंप मचा हुआ है उसको लेकर अब देखने वाली बात होगी कि ये गाज किसके ऊपर, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या फिर इन पे शोक जताने की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह इस पे ट्वीट करके शोक जताया है। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर ट्वीट करके शोक जताया और संपर्क करने के लिए बोला है कि जो पूरा महकमा है, सरकारी महकमा है, वहां पर मौजूद है, पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है और जांच पड़ताल के साथ साथ एक और जांच का विषय है कि आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंचा। ये सवाल हर बार घूमेगा, एम्बुलेंस या स्वास्थ्य महकमे में एम्बुलेंस उपस्थित क्यों नहीं, फोन इतने हुए बावजूद इसके लापरवाही और कुएं में तकरीबन 13 लोगों की जाने से मौत हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे कार्रवाई क्या होता है, क्या मुआवजा देने के बाद वो सारी जो सवाल हैं वो वहीं छुप गए हैं या फिर कुछ और भी निकल कर आता है। तो ये थी अभी तक की अपडेट, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ दर्शन के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।